सरोवर में आपकी स्वागत बा। बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम लेके अगली रात ऐसे कैमरा पर्सन नारियल के साथ में तो ऐसे ही कार्यक्रम हरेक सोम के ऐसे हरेक मंगल के और हरेक बुद्ध के इतने समय से देख सकल जत ते कार्यक्रम रहे कि हमरे हमन की समाज की विकृति और साथ में हमन के कला संस्कृति का हो ओके हमारे कैसे जगेर ना कर सके हमन के सामाजिक विकृति विसंगति का बा ओके कैसे हटा सके और असल सभ्य समाज के निर्माण हमरे कैसे कर सके उस संबंध में हमारे विशेष कह के बातचीत कल जत और इतने भरना हो कि हमारे समय समय में कौन भी कार्यालय और संस्था के ढीला सुस्ती बातें हो कि हमारे कैसे हटा सके और साथ में उस संबंधित व्यक्ति से हमारे वहाँ के विचार भी रखल जाते समाज में जौन पर्दा पात से हमारे कह सकल जी जौन लुकायल प्रतिभा ओके हमारे कैसे उजागर करे के ओकरे साथ में हमारे बातचीत कल जत अत अभी संग्री साथ रह जी ये कार्यक्रम अवधि भर ऐसे आज हमारे पहुना की न्यौता धल गिल बा। आज हम लोग अतिथि बाटी गायक तथा लेखक प्रहलाद थारू हमारे वहाँ से लेके बातचीत कर लिए त्या भी संग्री साथ रह जी कार्यक्रम में वहाँ की स्वागत कर जितबा कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा। धन्यवाद बा। हाँ तो वैसे कैसन के ये क्षेत्र में प्रवेश कर गिलते कला क्षेत्र में लागल के मैन उद्देश्य का हो कि हमन के इतना पढ़ल पढ़ल आदमी बाटा हमन के लीडर लोग बाटा लेकिन उन्हें पढ़ाई के कोनो सतयोग नहीं करत बाटा उन्हन के खाली जौन पढ़त बाटा ओके खाली पढ़ले से तोता घत रटत चल जात बाटा ओके कौनो ना समाज के सिखात बाटा ना कुछ पढ़ात बाटा हमन के समाज अंधा समाज घत आगे आगे चलत चल जात बा। तो अब यह क्रम में उन्हन के जब आगे कुछ ना सिखात बाटा पढ़ के ओकर सदुपयोग नहीं करत बाटा पढ़ल के माने का हो कि जब कोनो भी कला संस्कृति कोनो भी जानत बा आदमी तो ओकर जब नहीं उजागर करी नहीं केहूक बताई कोनो चीज़ बीने के भइल कब्बो नहीं बीनी आ कोनो चीज़ बनाए के जब जनले बा कब्बो नहीं बनाई तो ओकर मर जे ओकर कला संस्कृति इहे मेर से जब जितना हमन के किताब निकलत बा गाना निकलत बा विकृति विसंगति कैले बा फुहर पातर गीत निकालत बाटा इहे के विरोध में हमार समाज के सुधारक अच्छा समाज के निर्माण करे के गीत या कविता हमार लेखानी में बा। हाँ तो वैसे सुन तमाने व्यक्ति लागल बाटे आजकल देखा जाते चाहे जो गायकर हो गिल बा लेखक हो गिल बा हमारे देखा जाते तो वैसे तालीम नहीं कि आजकल नहीं पड़त बा अब चाहे जगह अक्सर कही कि अब हर एक वर्ष में तमाने गायकर जन्म गाने बकिन का वैसे ओखन के जो एक गीत रहते ओखन के विजुअल रहते देखे लगना रहत बकिन का जो आप है आज तक कैसन कैसन गीत में यानी कि कविता में ध्यान डाल गिलते हमार आज दिन तक प्रकाशित गीत चार किताब निकल बा उनमें से चौताल चटगर सुघर चाल के दौलत के खजाना और अंतिम है असो हम 2076 साल में रामलीला किताब निकल बा वहीं में से अगर गीत कविता के किताब निकल बा और ई गीत कविता ऐसा हो कि जौन पहले के इंधन के गीत कविता जब निकलत बा समाज में कौनो काम नहीं लागत बा खाली वह उन्हन के गीत कविता बस वह कौनो उन्हन के माने नहीं देत बा समाज में बस उन्हन के खाली निराशा छा जात बा उन्हन के गीत काल के मतलब बैठे मनोरंजन भर में सीमित बा। हाँ मनोरंजन खाली सीमित बा उन्हन के गीत से कौनो शिक्षा या हमन के समाज आगे बढ़े वाला नहीं बा ना बढ़ी वो लेखक के तरफ से। हाँ तो उससे आप गीत के साथ में कविता भी लिखल गई कविता भी बा हमारे पास गीत भी बा। हाँ तो आज सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमारे दर्शक बैठे कौन सी गीत सुनाल जी की कविता सुनाल जी थे हम दर्शक लोग के आज ही बुद्ध टेलीविजन के मार्फत में से हम एक ठो जन चेतना मुलुक के समाज के का करे के चाहिए हमन के कैसे बढ़े के चाहिए कैसे हमन के प्रगति के रास्ता पर जाए जी कही के गीत बा कौन कौन चीज हमन के विकृति से हमन के गोर पकड़ के पाछे ताना था वही के विषय में एक ठो गीत हम आपके सुनाए जाते हैं। हाँ शुरुआत करते हैं गाना के बोल ई झुमड़ा हो सुमरौती गाना के बोल बा जागा जागा ने हो कही के तो सुनल जा स्वीकार जगा जागा नवाई वा जगा हो कि सना में जगा जागा नवाई वा जगा हो कि सना में हरे आगे बढ़े के दिन आया बा नवाई गया आगे बढ़े के दिन आया बनवायु गया पहले फेंकाइल जाए पहले फेंकाइल जाए हूँ कचिलम सुरती पहले
पहले फेंकाइल जाए हूँ कचिलम सुरती पहले फेंकाइल जाए हरे रोगवा बीमरिया सताइल देखे जिया को लाइल रोगवा बीमरिया सताइल अरे दूसरे फेंकाइल जाए मुर्गा अंडा दारू दूसरे फेंकाइल जाए ए मुर्गा अंडा दारू दूसरे फेंकाइल जाए ए मुर्गा अंडा दारू हरे साहू के करजिया लगाइल सबके करजम डुबाइल साहू के करजिया लगाइल सबके करजम डुबाइल तीसरा फेंकाइल जाए प्राणी सांसे कीर्ति तीसरा फेंकाइल जाए प्राणी सांसे कीर्ति तीसरा हारे दाने दहेज के बीमारी जान मारे पारी पारी दाने दहेज के बीमारी जान मारे पारी पारी चौथा फेंकाइल जाए ठगरा जनितिया चौथा फेंकाइल जाए ठगरा जनितिया चौथा फेंकाइल जाए हरे कुरसिया पद के बीमारी सब दिन झगड़ा वो गारी कुरसिया पद के बीमारी सब दिन झगड़ा वो गारी कुर पांचवा फेंकाइल जाए लोभ लालच माया पांचवा फेंकाइल जाए लोभ लालच माया हारे धानी हो के बनलटा भिखारी जैसे कुकुरा दुआरी धानी हो के बनलटा भिखारी जैसे कुकुरा दुआरी अति एकदम बढ़िया चित्रमूला के गीत सुनाल गिल वैसे आप ई रचना अपन ही कल गिल बा ई अपन रचना कल के हो आ अपने लगानी से छापल के भी हो हाँ एमा ते वैसे हमन के ऐसे निशन गीत है जो कविता बा हमन के समाज में कुछ जो हमन के समाज के जो विकृति विसंगति बा हर सके अति वैसे इतना करे हमरे देखल जाता बुद्ध समुदाय टेलीविजन और हमन लग कैमरा पर्सन बाटे नरेश और साथ में हम संचालक राज और हमन लग आज अतिथि बाटे प्रहलाद थारू ऐसे हमरे एक कार्यक्रम में रे कि हमन की समाज की विकृति कैसे हट सके और हमन के कला संस्कृति के कैसे जगेरना कह सके कि संबंध में हमारे चर्चा कर जाते आज हम लग हमारे भर के सुनल गिल एक एकदम चेतनामूलक गीत जो कि आजकल हमन के समाज में देखल जी ते वैसे ढेर सारे गायककार बाटे बकिन का ओखन के मुँह से एक ऐसन ऐसन गीत निकलत बा कि असली टाइप के कि हमन के जोन सुने के एकदम लाज लगाते बकिन का आज के युवा लोगन ओकरे पाछे दौड़त बाटी वास्तव में हमरे सोचल जा कि हमन के असल सभ्य समाज निर्माण कैसे हो सकी जबकि हमन के ऐसने गायकार के जन्म होत बाटे ते वैसे जौन आप एकदम चेतनामूलक गीत गाल गिल ओकरे साथ में जौन हमन के समाज के जौन विकृति विसंगति बा और हमरे कितना जने एक नाटक के माध्यम से हो और कितना जने जो गीत के माध्यम से कितना जने कविता के माध्यम से दर्शाए कोशिश करने अति आप कनो ऐसन कविता ना लिखल गिल कि हमने के समाज में प्रभाव पारे के बा कविता भी बा हाँ ते ऐसने आप कैसन कैसन कविता लिखल गिल आज तक कविता हमार कविता ऐसन बा कि जौन कविता लिखत बाटा उड़ान्तु कविता लिखत बाटा कि समाज में कौन ओकर प्रभाव नहीं पड़त बा खाली खाली बकवास कविता लिखे वाला आदमी यहाँ पैदा भइल बाटा एन्हन के परिवर्तन एन्हन के कविता अब ज़्यादा दिन नहीं चले वाला बा न गीत एन्हन के सुने वाला बा सब एन्हन के गीत से विकृति विसंगति यहाँ संसार में फैल गई बा हमन के देश में हमन के समाज में तो ई लेखक जौन बाटा एन्हन के अब काम नहीं बा आज के लेखक के हमन के समाज के आगे बढ़ाए के लेखक और खुद अपने आगे बढ़ल हो पर रियाज कैले हो पर जौन चीज़ हम अगर नहीं जानले हैं बनाए के ओकर हम ही जानले हैं कह के गाला मारे के और लोफड़ई बात करे वाला के कौनो काम नहीं बा जौन चीज़ आदमी समाज में जानले बा ओके जगरना कही के ओके समाज के कैसे आगे बढ़ी कही के हमारे पास गीता कविता भी बा हाँ तो वैसे इतना करिए हमारे भर के आपके मुँह से चेतनामूलक एकदम बढ़िया गीत है जो कि एक किसान के विषय में आप लिखल गिल है हाँ। भर के आप वाचन कर गिल तो कुछ साथ में जो कविता के बारे में चर्चा कर जतबा वैसे इतना करिए हमारे देखल जतबा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर साथ में हम संचालक राज और हमन के कैमरा पर्सन नरेश साथ में हमन के आज के अतिथि बाटे प्रहलाद थारू हमारे वहाँ से के बातचीत कर जब ते हमारे अब आज के जो हमन अतिथि बाटे शुरुआत कर जा जिंदगी बनल बा उड़े खातिन
जैसे बाज चिल्होड़ जिंदगी बनल बा उड़े खरदिन जैसे आकाश में जैसे बाज चिल्होड़ मुर्गी मुर्गी के बच्चा बन गईला काहे घुरावरा के गुखित कोर सीखे होइते पौड़ी बाज बना सीखे होइते पौड़ी बाज बना जिंदगी के नदिया तर जाइबा नाचला गाला मौज मनाला नहीं ते केचुवन घट घिसट घिसट के मर जाइबा जहाँ पुगेबा वहाँ पुग जावा ना कराया बेर अब हिन से परगा बढ़ा दा भैया नहीं ते यमराज ले घेर। हाँ एकदम बढ़िया जोन की हमने के चेतन मूलक कहा कि हमारे जीवन में कैसी सफलता प्राप्त कर सके कर संबंध में आप सुनाल गिल अते वैसे आपकी कविता सुन के जोन की हमारे अपन जीवन में अबेर ना कह के जोन की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहल जा कह के कविता का हलवा उ कविता से शिक्षा पा सके अते विषय इतना करी हमारे देखल जा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर संचालक राज ऐसे ने हमारे कैमरा पर्सन नरेश और हाथ से हमारे अतिथि बैठे प्रहलाद थारू अते आप गीत भी सुनाल गिल कविता भी वैसे कोनो गीत ऐसा नहीं लगत बाकी हम ये गीत सुनाई पैती थे और बढ़िया हो दर्शक के लगत बा आपके मन में कौन बा बहुत गीत बा बहिन। हाँ तो एक बढ़िया गीत सुना सकल जी आज के युवा लोग जौन मदक पदार्थ और खाली खाए में कुलत में जौन फसल बा कुलत में फसल बा खाली होटल में खात बा और का बोलला जौन हमरे मंदिर में जाके पूजा कर जाता तमाम किस्म के देवी देवता पूजा कर जाता लेकिन हमन के आचरण शुद्ध नहीं बा उही के विषय में हमरे पाप बढ़त जात बा जितने ही यहाँ मठ मंदिर बनत बहुत नहीं यहाँ विकृति बढ़त बा। हाँ तो एक ठो वही पर ही गाना बनल बा देखल जात बा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर बुद्ध समुदाय टेलीविजन पर वैसे हमन के समाज के विकृति काका बा हमरे पहचान कह के बड़े ही आज के युवा लोगों के दायित्व होक चाहिए हमन के कर्तव्य भी हो जब तक हमरे ये समाज के विकृति हटाए कोशिश नहीं कर जी तब तक हमन के समाज के युवा नहीं कह जी ते शुरुआत कर जा तो ये गाना के बोल बा हिंदू काटे सुअर छगड़ी मुसलमान काटे गैया कह के सुनल जा हिंदू काटे सुअर छगड़ी मुसलमान काटे गैया कैसन आइल जमाना देख है दैया कैसन आइल जमाना देख है दैया घर घर जार दारू जहर उपजाता मंदिर के द्वार पर पड़वा कटाता देखले में ते के रहो पकड़ने मुरैया कैसन आइल जमाना देख है दैया कैसन आइल जमाना देख है दैया धर्म के नाम पर बड़ा बड़ा जोगी दुनिया के सोसा के एक नंबर भोगी कृष्णा के जनी बन के नाचे तथा थैया कैसन आइल जमाना देखा हाय दैया कैसन आइल जमाना देखा हाय दैया मुसलमान कुरान पढ़े हिंदू पढ़े गीता रावण चोरा लै गेल कैसन रहे सीता गांव गांव कुंभ कर मांस के खवैया कैसन आइल जमाना देखा है दैया कैसन आइल जमाना देखा है दैया हिंदू काट सुअर छगड़ी मुसलमान काट गैया कैसन आइल जमाना देखा है दैया कैसन आइल जमाना देखा है दैया काल्पनिक देवी देवता दुनिया सताता जितने डेरही बो वो उतने डेरुआता सांस्कृतिक नैया आनहर खेवैया कैसन आइल जमाना देखा है दैया कैसन आइल जमाना देखा है दैया प्रहलाद रोज रोज लिखत बता गाना शोषक फटहन तू दुश्मन जाना प्रहलाद रोज रोज लिखत बता गाना शोषक फटहन के दुश्मन तू जाना कैसन आइल जमाना देखा है दैया कैसन आइल जमाना देखा है दैया हिंदू काटे सुअर छगड़ी मुसलमान काटे गैया कैसन आइल जमाना देखा है दैया कैसन आइल जमाना देखा है दैया। हाँ तो इसने चित्रमूलक गीत के खातिर आपके धन्यवाद देख चल जतबा तो उकर साथ में अजून आज के गायककार लोगन बाटी और लेखक बाटी उकन के कौन चीज़ कह चाहल जी
ई लेखक के हम यह सुझाव देव कि जौन आज के हमन युवा के संदेश देत बाटा ई एकदम खड्ढा में लेके जाई, आगे प्रगति हमन के समाज के ना होए, ना हमन जात के, ना ई संसार के, ना देश के। आ जौन गीत तुम्हारे लिखत बाटा, जौन किस्म के सुनत बा जनता, उन्हन के कौनो उमंग नहीं बा। और ई लेखक लोग के गीत आगमी दिन में जाके समाप्त हो जाई, प्रगतिशील लेखक और आगे बढ़ाए वाला साहस, उमंग और कुछ उद्योग धंधा और कुछ सृजना हर संस्कृति या समाज में जौन काम लागे वाला बा, वह लेखक के गीत या रचना चले वाला बा। और ई बाकी वाला जौन बाटा, ई बकवास जौन या के रेडियो में और जौन टेलीविजन में और कैसेट निकाल बाटा, ई कैसेट से आदमी के समाज के हमन के विकृति फैलात बा। दूसर कहबा कि हमन के अपन समाज के कौनो अच्छा क्वालिटी के गीत कविता नहीं सुन के हमन के थारू समाज में जौन ब्याह दान होला, हर पर त्यौहार आला तो भोजपुरिया के जौन हमन के गोनरी बिछा के तो है कौन चीज कही के तो है फ्रिजिया वाला जौन इन्हें विकृति कम पढ़ल लिखल वादा इन्हें आदमी होला, ई आदमी के लिखल से समाज पछड़ल जाए, भ्रष्ट जौन बहुत भ्रष्ट हो जाए समाज। और ऐसा गीत न सुनल जी, हमारी है अनुरोध वही लेखन से, आई लेखक के किताब कौनो पढ़े जरूरी नहीं बा। हाँ, तो एना दिन में कैसन कैसन गीत और कविता लिखे के सोच रखल गेल बा? आए वाला दिन में हमार ऐसा बा कि हमार समाज के उद्यमशील बनाना हो, हमन के समाज अपने के सोचा था कि हम कुछ नहीं कह पाब, लेकिन हमन के समाज महान एक कौनो भी आदमी एक ठो छोट से चिंगारी जैसे गाँव गाँव जल जात, लेकिन एक गीत कविता से आपके पूरा ही सृजनशील और आपके प्रगति के रास्ता पर ले जाए वाला गीत या कविता आगे चल के बनी और समाज हमन उन्नत के रास्ता पर चली या समाज में इज्जत बढ़ी और हमन के समाज में विकृति विसंगति खत्म हो जाए। हमन के समाज में जौन छाड़ापन के बोली वचन बा, छाड़ापन के गीत बा, कविता बा, ये सब समाप्त होए के चाहिए। अच्छा पहरान अहरान पहरान, अच्छा दाई बाबा कह के अपन दाई बाबा पाले वाला समाज होए के चाहिए, अपन नात बात के चिन्ह के चाहिए। कितना बड़ा आदमी हो जाए बाकी अपन समाज के अपन थारू भाई ये दादा हो, भौजी हो, मामी होला, मामा होला कह के कुल चिन्हे वाला विवेकशील लेखक के गीत रचना सुने के चाहिए और ये किस्म के हमारे लेख रचना रही। हाँ, तो वैसे इतना गरी हमारे देखा जतबा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर ऐसे ही कार्यक्रम रे कि हमन के समाज के विकृति का काबा हमारे कैसे हटा सके और साथ में जाके हमन के कला संस्कृति के कैसे जगेरना कह सके कि संबंध में हमारे चर्चा कल जाते बीच संगरी साथ बैठी। तो वैसे अजन हमन के समाज में ऐसे तमाने प्रकार के हमारे विजुअल देखल जाते, वैसे गीत वैसे रहे वैसे विजुअल रही, तो वैसन जो विजुअलाइज करब अखन के खातिर कुछ कहे चाहल जी? ई जौन हमन के नंगा किस्म के विजुअल या डांस जौन बनात बाटा, ई आदमी एकदम स्क्रेच बा, खत्म बा, ई आदमी के कौनो ई समाज में हमन के मूल्य मनाते नहीं देहेक बा। ऐसा ऐसा लेखक के दोसल्ला ओढ़ा के या टोपी पहरा के रुमाल पहरा के हमन के समाज भ्रष्ट करत बाटा, ई हमन के जौन अगुआ लोग बाटा इन्हन के निहायती जौन आजकल के चलल बा जौन छाड़ापन के नाच नचा के गीत गैला कह के इन्हन के दसल्ला उड़ा के कौनो काम नहीं बा, इन्हन के समाज में बिल्कुल नहीं आगे बढ़ पाई। हम इन्हन से अनुरोध करब कि ऐसा मन के प्रोत्साहन न देहल जा, अपन घर में समाज में भी ऐसा छाड़ापन के फिल्म या टेलीविजन या कौनो भी देखे न देहल जा। हमन के समाज उन्नतशील बने, हमन के पछड़ल गेला कहल जात, लेकिन हमन के जौन पढ़ल गेला ओकर कौनो नहीं कार्यान्वयन कैल जाला। हमरे अपने पढ़ल के अपने बोली के हमन के ठिकाना वाला लेखक के हमन के नहीं कौनो करे बा। जौन लेखक जौन बोले ओकर आचरण देखल जाए, ओकर समाज में देखल जाए कि कुछ करत हो, आगे बढ़ाए वाला कार्यक्रम करत हो, कहीं भी ओकर भी कुछ कैल जाए तो ठीक बा, नहीं ऐसा के प्रोत्साहन न दिल जाए। हमारी है कहब भाई लेखक के। हाँ, तो आज तक जो न आप एक चित्रमूला काल के मतलब कृषि संबंधी भी गीत सुनाए गए, ऐसे नहीं हमारे आगे कैसे बढ़ सके के और हमन के हमारे अपन सोच भी परिवर्तन करे के आवश्यक बा, हमारे समय अनुसार चले सके के संबंध में आप गीत कविता सुनाल गेल, तक शुरुआत में कैसन कैसन हमन के गीत लिखले पर हमन के समाज और असल बन सके, यानी कि हमन के समाज की विकृति हट सके कह के सोच रखल गेल बा कि ऐसा गीत रहले पर ऐसा कविता पर और हमन के समाज बढ़िया हो सके। एक गीत से जब देश में क्रांति हो जाला, एक गीत से आदमी के शांति छा जाला, आप एक पेंटिंग के एक पेंटिंग टांग दहल जा अपन क्वार्टर में तो आपके सेक्सी छा दे, ऐसी ऐसा विकृति वाला जौन फोटो बा, जौन मोबाइल में फोटो राखत बाटा, डांस जौन देखत बाटा और जौन भोजपुरिया बा, जौन बा डीजे बा, ई कुल बजैले बहुत बेकार बा। हमन के
अच्छा गीत के एक के गीत बजाओ बाकी अच्छा गीत बजाओ पेंटिंग अच्छा चीज के रखो आगे बढ़े वाला ऐसा ऐसा गीत अब बनाए जरूरी बाकी समाज की जितना पुरानी जनन गीत भाई गीत से कोनो आदमी कुछ शिक्षा नहीं पाई। हाँ तो वैसे हमरे आपसे बातचीत करते विद्यालय समय हो गई बात ये आप कार्यक्रम देखा गिल बुद्ध समुदाय टेलीविजन ऐसे ने आप यहाँ तक आल गिल हमने की न्योता स्वीकार करके आपकी हृदय से धन्यवाद देख जा बार हम यहाँ बुद्ध टेलीविजन में जो आप हमें निमंत्रण दे गिल हम बुद्ध परिवार के आभारी बाटी सबके हमारे तरफ से नमस्कार व सब समाज के आई आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद बा और का बोला पूरे समाज के ऐसा गीत आगामी दिन में फिर हमें चांस मिले कह के हमारा अनुरोध बा जनता वैसे हमारे कार्यक्रम देखा गया करके धन्यवाद ऐसे हमारे कैमरा पर्सन नरेश सोनू के बीच धन्यवाद देत हम कार्यक्रम से राज भी आपसे विदा होती देखते रहिए बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन नमस्ते।